अब रावण नहीं माना, एक दिन उस समय उपरांत रावण ने एक और उत्पना कर दिया। भगवान श्री राम को वनवास मिला हुआ था, वनवास से सीता को रावण ने अपहरण कर लिया। अपहरण करके लंका में नौलखा बाग में लाके रोक दिया, छुपा दिया। वहां उसको अपनी पत्नी बनने के लिए परेशान किया जाने लगा, लेकिन सीता ने उसकी बात को नहीं स्वीकारा। रावण ने बहुत यातनाएं दी। एक दिन परमात्मा फिर चले गए लंका के अंदर। मंदोदरी ने भगवान से कहा, मुनिंदर जी से कहा कि हे गुरुवर, हे प्रभु, आपकी बेटी को एक बहुत ही भयंकर दुख हो गया है। परमात्मा ने पूछा, क्या कष्ट आ गया बेटी? मंदोदरी ने कहा कि मेरा पति किसी औरत को उठा लाया है और उसको नौलखा बाग में बंद रखा है। वो उसको पत्नी बनाना चाहता है। हे प्रभु, आप किसी प्रकार इसको समझा दो, यो गलत काम ना करे और आपके चरणों में आ जावे। परमात्मा ने कहा, बेटी, ये जो औरत है जिस स्त्री को ये उठा के लाया है, ये साधारण स्त्री नहीं है। ये लक्ष्मी का अवतार है और रामचंद्र जी जो हैं ये विष्णु अवतार हैं। रावण ने तो अपने पैर पर कुहाड़ा मार लिया। बेटी, इसने कह दे कि तुरंत इसको वापस दे आवे, सीता को वापस देकर अपनी भूल को स्वीकार कर ले, क्षमा याचना कर ले। संत दयालु होते हैं, श्री राम बहुत दयालु हैं, वो माफ कर देंगे। मंदोदरी ने बहुत समझाया लेकिन रावण नहीं माना। रावण कहने लगा, तू मुझे क्या डराती है, मैं दो मस्करे जंगल में फिरते हैं, तू उनको भगवान कहती है, मैंने 33 करोड़ देवताओं को बांध कर अपनी कैद में डाल रखा है, और मेरे पुत्र मेघनाद ने देवताओं के राजा इंद्र के साथ युद्ध करके उसको पराजित करके उसकी पुत्री के साथ विवाह कर रखा है, एक कायर औरत, तो मुझे क्या शिक्षा देती है, इन दो जंगली लोगों से मुझे डराती है, इनको भगवान बताती है, मैं इस सीता को वापस नहीं दूंगा। मंदोदरी ने परमात्मा से कहा, हे परमेश्वर, मेरे पति देव को एक बार आप अपने मुख से समझा दो, यदि वो नहीं मानेगा तो फिर मैं विधवा भी हो जाऊंगी, मुझे दुख नहीं होगा। परमात्मा ने कहा, बेटी, ठीक है, जाता हूं, बाकी इसकी बुद्धि विनाश काल होने से विपरीत हो चुकी है। अब परमात्मा मुनिंदर जी रावण के राज दरबार के सामने खड़े हो गए। पहरेदारों से कहा कि भाई, मुझे राजा से मिलना है, मेरा संदेशा भिजवा दो। पहरेदार कहने लगे, ऋषि जी, हमसे नाराज मत होना, हमारे राजा का दरबार लगा हुआ है, कोई सीक्रेट मीटिंग चल रही है, इस समय अंदर का संदेशा बाहर तो आ सकता है, बाहर का संदेशा लेकर दूत अंदर नहीं जा सकता। परमात्मा वहां से अंतर्ध्यान हुए और रावण के दरबार में, जो रावण ऊंची स्टेज पर विराजमान था, उसके सामने जाके प्रकट हो गए। रावण ने देखा कि ये व्यक्ति कैसे आ गया, ये ऋषि कैसे आ गया इस राज दरबार में, इसी सीक्रेट मीटिंग चल रही थी, किसने आने दिया, उन पहरेदारों को बुला और उनकी गर्दन को कलम कर दो। बड़ा क्रोधी था रावण, क्योंकि तमोगुण का उपासक था, भगवान शंकर का उपासक था। परमात्मा ने कहा कि रावण, आपके पहरेदारों ने मुझे मना कर दिया था, उन्होंने बाहर से लॉक लगा रखा है, अंदर आने का कोई रास्ता नहीं है,
रावण ने पूछा फिर आप कैसे आए? प्रभु ने कहा कि मैं ऐसे आया, अंतर्ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए और फिर प्रकट हो गई कि मैं वहां से अंतर्ध्यान होकर तेरे दरबार के अंदर प्रकट हो गया हूं, मैं ऐसे आ गया। अब रावण ने देखा कि तो कोई संत है, सिद्धि युक्त है, शक्ति है इसमें, कुछ थोड़ा सा नरम हुआ, बोला कि क्या काम आया है बता मुझे। परमात्मा ने कहा कि रावण जिस देवी को तू उठा लाया है ये आम स्त्री नहीं है, ये लक्ष्मी का अवतार है, श्री राम विष्णु रूप जो श्री राम जी आए हुए हैं विष्णु ही समझो, और इस सीता को वापस देकर अपनी जीवन अपने जीवन की भीख मांग ले। रावण एकदम क्रोधित हो गया और ऊंची स्टेज से जंप लगाया, नीचे कूद गया, तलवार निकाल ली, बहुत तगड़ा योद्धा था, तलवार निकालकर गुस्से में जाकर के भगवान के यानी मुनिंदर जी की गर्दन को काटने के लिए ऐसे तलवार का वार किया, अटैक किया उस कृपाण ते। परमात्मा पहले एक झाड़ू की सीख हाथ में लिए हुए थे, झाड़ू की सीख, उस सीख को उसकी तलवार के सामने ऐसे कर दिया और रावण ने ऐसे क्रोधित होकर के 70 बार अंधाधुंध क्रोध में 70 बार ऐसे कटाए कट 70 बार किए, 70 बार अटैक किया, लेकिन उस सीख को निशान भी नहीं हुआ और रावण का पसीने आगे बाजू दुखन लगी। तो परमात्मा ने कहा देख नालायक, इस निशान के इस सीख के निशान भी नहीं है तेरी तलवार का, आंख खोल ले। अब रावण समझ गया कि तो भाई कोई अपरंपार शक्ति है, पर अभिमान बहुत बुरी चीज है, जीव को ठिकाना नहीं आने देता। वो वापस जाकर के अपने राज उस बैठ करके सिंहासन पर कहने लगा ऋषि जी तू जा चाहे ना जा, मैं तेरी बात ने कति स्वीकार नहीं करूं। परमात्मा बोला ना स्वीकार करे तो कुएं में पड़े, मैं यूं चला भाई वापस आ गए। अब कहते हैं विनाश काले भी प्रताप दी, कोई अच्छी अच्छा ज्ञान दे तो भी कड़वा लगता है, चाहे भगवान क्यों ना आ जा। अब परमात्मा ने आकर कहा बेटी मैंने तो जो कहना था कह दिया, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है, अब इसके बाद मैं भी इसको कोई सलाह राय नहीं दूंगा। मंदोदरी कहने लगी हे गुरुदेव अब मैं निश्चिंत होगी, अब यो मरो चाहे जीवो, मेरा जो फर्ज था पत्नी रूप में मैंने इसका अन्न खाया है, इसके साथ रही हूं, मेरा फर्ज बने था कि मैं इसको कोई अंतिम सांस तक इसके जीवन की भीख मांगू, अब ये नहीं मानता है तो प्रभु यू मर जाएगा, मैंने कति मुझे दुख नहीं होगा। उस समय जब ये मीटिंग चल रही थी प्रभु वहां प्रगट हुए, विभीषण भी विद्यमान थे। विभीषण ने आकर मंदोदरी से बताया कि आज तो गुरुदेव मार दिए होते भाई ने, लेकिन ये तो अपरंपार शक्ति है, उनके सींक को भी कोई निशान नहीं पड़ा और रावण ने 70 बार अटैक किया, तब फिट्टे मुंह होकर वापस जा बैठा। विभीषण भी बहुत समझाता था रावण को कि भाई जो साधना आप कर रहे हो भगवान श्री शंकर भगवान की, ये पूर्ण नहीं है, मुनिंद्र जी पूर्ण परमात्मा है, इन गुरुदेव से आप उपदेश ले लीजिए। लेकिन रावण ने नहीं मानी और अपनी लंका का नाश करा लिया।